कैच टू बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। हंगामा टाइम्स के कार्यक्रम खास बातचीत में जिस प्रकार से महिलाओं की बुलंदियों को लेकर के हम अक्सर करके बात करते रहते हैं, महिलाओं की सफलता को लेकर के। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। आज हमारे संवाददाता विक्रम ने खास बातचीत में बात किया। 1.5 साल पहले ही अब्रॉड से आई हुई है राजधानी में और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में उन्होंने सम्मान भी पाया हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता विक्रम कश्यप की खास बातचीत। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। जैसा कि राजधानी में और हमारे देश में जिस तरह से महिलाएं आए दिन तरक्की कर रही हैं और कई सम्मान पा रही हैं और महिलाओं अपने क्षेत्र में अपना नाम भी ऊंचा करने का काम कर रही हैं, तो आज आपको एक शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने जो अब्रॉड से आकर राजधानी में उन्होंने नाम ऊंचा किया और देश प्रदेश में कई अवार्ड और सम्मान से नवाजी गई। आइए लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो कार्य कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया और किस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और मेकअप की दुनिया में जिस तरह से मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया, अभी उनसे परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे निभा मिश्रा जी से, जिस तरह से अब्रॉड से आके राजधानी में सेटल हुई हैं, 1.5 साल हो गए हैं राजधानी में आए हुए, जिन्होंने देश प्रदेश में कई कार्यक्रम और कई सम्मान से नवाजी गई हैं। आज हम आपको लेकर आए उनके सैलून में, आइए उन्हीं से जानेंगे कि सैलून का नाम जो उन्होंने अपने नाम पे रखा है, निभा सैलून के नाम पे रखा है, और महिलाओं के लिए किस तरह से सैलून काम कर रहा है। निभा जी, क्या कहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? आज हम लोगों ने सोचा कि आपसे भी खास बातचीत करें कि महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही हैं और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का भी काम कर रही हैं, और आखिर क्या वजह रही कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आप बनी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, देखिए किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी होता है, और पैशन और मेहनत से ही सब आगे बढ़ते हैं और ईमानदारी के साथ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मैं अब्रॉड में थी और मैं वैसे तो मैं ICICI बैंक में जॉब कर चुकी हूँ, एज ए टीचर वर्क कर चुकी हूँ, बट वो मज़ा नहीं आता था मुझे जो मुझे चाहिए थी। तो मेरा कहीं ना कहीं वो पैशन रुका हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि नहीं मुझे भाई एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैंने जितनी सारी ट्रेनिंग की है, अब्रॉड में ट्रेनिंग की है मेरी सारी स्किन का। कहीं ना कहीं महिलाओं का सपना होता है अब्रॉड में सेटल होने का। अब ऐसी भारतीय महिलाएं जो अब्रॉड छोड़ के राजधानी और लखनऊ में आई है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अब्रॉड से आके इंडिया सेट होने का प्लान सिर्फ मेरा ही था। मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स किया कि नहीं मुझे इंडिया सेट होना, बिकॉज मेरा बेबी छोटा था, 3 इयर्स का था, और कुछ भी हो अब्रॉड का कल्चर जो होता है वो बच्चों के लिए सही नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। भारतीय संस्कृति सिखाने की वजह से यहाँ सेटल हुई कि बच्चों को भारतीय संस्कृति सिखाने? हाँ, मतलब हम लोग पंडित है, एक संस्कारिक फैमिली से है, तो मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग हमारा जो बेबी है वो बाहर रहे और कुछ ऐसा कल्चर, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ड्रिंक करना ये सब चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने अपनी फैमिली में बात करके अपने हस्बैंड से बात करके तब मैं इंडिया सेट हुई हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं आपके सैलून में, हम जानना चाहेंगे जो शिल्पा शेट्टी जी के साथ ये तस्वीर आपकी ग्लैम ब्लेस अवार्ड 2019, आखिर ये कब मिला और किस वजह से मिला? ये मुझे सूरत में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है शिल्पा शेट्टी के हाथों में, 2019 में मुझे मिला था। तो जैसा कि सैलून की दुनिया में, यूं कहें मेकअप की दुनिया में, जावेद हबीब का भी एक अपना नाम है और जावेद हबीब के साथ भी मैडम की तस्वीर है और शायद एक्टर है वो साथ में जो है। नहीं, ये वंडर शॉप कंपनी के मालिक है। एक्चुअली जब मैं इंडिया सेट हुई थी तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने जावेद हबीब का सेमिनार वंडर शॉप कंपनी के थ्रू मिलके यहाँ लखनऊ में कराया, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था कि निभा मिश्रा है कौन। मैं अपना नेम ब्यूटिशियन के फील्ड में और एज ए मेकअप आर्टिस्ट के फील्ड में मैं अपना नाम बनाना चाहती थी कि सब जाने कि हाँ निभा मिश्रा नाम की भी कोई आ गई है लखनऊ में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वंडर शॉप कंपनी के साथ मिलके जावेद हबीब का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था गोमती नगर में 23 जनवरी को। देन उसके बाद कई लोग जान गए कि हाँ निभा मिश्रा भी कोई एक ब्यूटिशियन आ गई हैं। उसके बाद मैंने जैसा कि काफ़ी अवार्ड हम देख रहे हैं, ये काफ़ी सम्मान अवार्ड आप पा चुके हैं,
तो इनके बारे में कुछ बताएं कि आखिर कब सिलसिला शुरू हुआ वार्डो का और क्या रुचि रही इस लाइन में आने की। जैसा कि लाइन में आने की एक सैलून खोलने की रुचि तो समझ में आती है, लेकिन मेकअप की दुनिया में जो अवार्ड काफी आ पाई है उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों। एक्चुअली ये मेकअप आर्टिस्ट भी है और एज ए जूरी मेंबर, एज ए जज, गेस्ट ऑफ ऑनर, शो स्टॉपर, ये सब का अवार्ड है। और पहले मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड पाती थी, कई शो में मैं गई एज ए मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड देने, तो कुछ लोगों ने पीछे से कमेंट्स किया मैम आपको तो मॉडल होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं भी एक बार ट्रायल मारती हूँ, एज ए मॉडल ट्रायल मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने शोज किए, मुझे नहीं पता था कि मैं शो करूँगी और मैं विनर हो जाऊँगी। मैंने अपने आप को एक चांस दिया कि मैं देखना चाहती थी कि मैं भी एज ए मॉडल परफॉर्म कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने किया, रिस्पांस बहुत अच्छा आया, मैं विनर बनी। उसके बाद अच्छा अच्छा होते गया। आज देखिए तो कई ऐसे शो होते हैं ऑर्गेनाइज़र जो अपने शो में मुझे एज ए जूरी, एज ए जज, एज ए शो स्टॉपर बुलाते हैं, एज ए मेकअप स्पॉन्सर मैं करती हूँ कई शो में। तो इस तरह मेरा सिलसिला जारी है और आगे भी। क्या आप बताएंगी, जैसा कि सैलून आपने खोल रखा है राजधानी के गढ़ौरा में, तो महिलाओं के लिए क्या क्या है यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं मेकअप की काफ़ी शौकीन होती है, आप भी एक महिला है, शायद यही वजह रही कि इस लाइन को भी चुना। देखिए मैंने तो सबसे पहले ये लाइन इसलिए चुना क्योंकि मुझे इस लाइन में शुरू से इंटरेस्ट था, बट ये था कि शुरू में किसी ने इतना फोकस नहीं दिया और मेरा जो इंटरेस्ट था वो मन में ही रह गया। बट शादी के बाद हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया और आज मैं जो भी हूँ, जो ये 1.5 साल में लखनऊ में अपना नेम फेम कमाई, या जो भी आप ये अवार्ड देख रहे हैं, ये अवार्ड का रीज़न सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता रियली मैं कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर कदम में और आगे भी वो करते रहेंगे। बताएं कि महिलाओं के लिए आपके सैलून में आखिर क्या खास है। देखिए महिलाओं के लिए मेरे सैलून में ये खास बात है, मेरे क्या सभी प्रोफेशनल एकेडमी में ये ऐसा फील्ड है इसमें हर लड़कियां और जो लेडीज़ होती हैं, ये मायने नहीं रखता कि वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं हैं, किसी कारण से वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाती हैं शादी के बाद, तो या शादी से पहले कुछ करना चाहती हैं नहीं कर पाती। ये ऐसा फील्ड है कि शादी के बाद इवन फैमिली भी है तब भी, तो ये सभी कोई कर सकता है। तो मुझे इस लाइन में मैं उन सारी लड़कियों को लेके जाना चाहती हूँ जो सोचती हैं कि अब हमारी शादी हो गई और हमने पढ़ाई नहीं की तो हमने कुछ किया नहीं तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप कोई भी एकेडमी चूज़ करिए, ये ऐसा फील्ड है आप लोग इसमें आप अपना नाम कमा सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हो। मेकअप तो लड़कियों को करना पसंद है, तो इसमें मैं चाहूँगी कि जो लेडीज़ें चाहती हैं कि हम कुछ करें तो आप प्लीज़ इस एकेडमी ज्वाइन करिए, मेरी या किसी और की एकेडमी ज्वाइन करिए जहाँ आपको अच्छा लगे। तो जैसा कि ये थे हमारे साथ, अभी बैठकर बात करेंगे और कुछ और बातें बताएंगे निभा मिश्रा जी की जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहले आपको मिलाते हैं इनके स्टाफ से जो इनके कामों में इनका हाथ बटाता है और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी दिया निभा जी ने इन लोगों को। तो मैम कहाँ से हैं आप? हम यहीं रामाबाई से, लखनऊ से ही। तो क्या कहेंगे, कब से सैलून में यहाँ काम कर रही हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? हम यहाँ 1.5 साल से काम कर रहे हैं, जब से ओपनिंग हुई है पार्लर की जब से हम यहाँ ज्वाइन किए हैं, जब भी सी। और एक्चुअली टू बी क्लियर एजुकेटेड कम है, तो पहले इन लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है। एजुकेशन मायने नहीं रखती, हुनर क्या है? हुनर, टैलेंट होना चाहिए। मैंने इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, आज अभी 4-5 लड़कियां और नहीं आई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इनको, इनके सामने खड़ी हैं पूछे, फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी। पहले मैंने उस लायक बनाया, सिखाया और आज जब उस लायक को बन गई है मैंने उन लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रख लिया। तो क्या कहेंगी, जॉब भी आज मिल गई है, महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या होती है जॉब की, कोई संदेश देना चाहेंगे किस तरह से अपना काम करें या किस तरह से आगे बढ़े? कोई भी महिला कोई भी काम करे, मेहनत करेगी, काम करेगी, आगे बढ़ेगी। और फिर सुनीता तो और भी एक स्टाफ है, उनसे भी मिलाते हैं।
तो क्या नाम है आपका मैम? हमारा आरती नाम से। तो क्या कहेंगी, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ और महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी? महिलाओं के लिए हम यही संदेश देंगे कि जो भी है, जैसे मैम ने कहा कि पढ़े नहीं है बहुत से, तो उन्हें वो अपने अंदर फील करती हम कुछ कर नहीं पाए, तो हम भी नहीं कुछ पढ़े हैं थोड़ा बहुत पढ़े हैं। यहाँ पर हम 3 महीने से यहाँ पर सीख रहे हैं, मैम हमें अच्छे से समझा रही हैं, सिखा रही हैं, बता रही हैं कि अपने अंदर कोई फील मत लाओगे, हाँ हम सीख नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, पर मैम हमें अंदर ताकत दिया और हौसला बढ़ाया, इसीलिए हम मैम की यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सीखना, यहाँ पर मन भी लग रहा है। तो मेकअप की दुनिया में महिलाओं के लिए एक अच्छा भविष्य है। हाँ, हम भी चाहते हैं मैम की तरह आगे बढ़ें, भी नाम कमाएं मैम के साथ, और मैम की भी नाम अपने साथ रोशन करें कि हाँ मैम की सैलून में हम इतना सीखें, हमें इतना अच्छे से बताई हैं मैम। तो जैसे कि आपने देखा ये स्टाफ था जिनसे हमने मिलवाया आपको और बताया कि किस तरह से ये काम कर रही हैं निभा जी, और किस तरह से महिलाओं को ट्रेन करती हैं, फिर एक रोजगार देने का भी काम करती हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई आड़े नहीं आती है जब हुनर आपके हाथ में। अभी खास बातचीत में हमारे साथ निभा मिश्रा जी है, बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो अभी शायद उनके बारे में आप नहीं जानते। तो अब्रॉड से आई राजधानी में जिस तरह से देश प्रदेश में अपना नाम रोशन किया, मॉडलिंग की दुनिया में और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जिस तरह से आज राजधानी में अपना नाम जमाया है, वहीं देश प्रदेश में देश प्रदेश का नाम रोशन करने का भी काम किया है। आज हम खास बातचीत में जैसा भी कि अभी हमने आपको दिखाया कि निभा मिश्रा जी से बात की और जाना उनके बारे में कुछ अहम बातें। तो अभी हम आपको बताएंगे कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है निभा मिश्रा जी, और आखिर महिलाओं का जो बेहतर भविष्य है इस क्षेत्र में आखिर क्या है। मॉडलिंग के क्षेत्र में और जूरी मेंबर कई तरह का सम्मान भी पा चुकी हैं निभा मिश्रा जी। आइए खास बातचीत में सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। तो निभा जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि मॉडलिंग के क्षेत्र में या सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जिस तरह से आपने प्रदेश में देश में अपना नाम रोशन किया, आखिर क्या खास वजह रही कि अब्रॉड छोड़ के इंडिया में सेटल होना पड़े? एक्चुअली अब्रॉड छोड़ के मैं इंडिया इसलिए सेटल हुई क्योंकि हम लोग काफ़ी साल, एक्चुअली मैं तो शादी के बाद अब्रॉड में थी, बट मेरे हस्बैंड ने काफ़ी साल अब्रॉड में वर्क कर चुके थे एज ए साइंटिस्ट उन्होंने, तो काफ़ी साल रहने पे एक्चुअली जब से मेरी शादी हुई थी मैं अनकम्फर्टेबल फील करती थी। किसी तरह मैंने 6-7 साल उनके साथ अब्रॉड में गुजारा है, क्योंकि मुझे कुछ भी हो ना, अपनी ये प्रतापगढ़, अपना इंडिया, ये सब मैं बहुत मिस करती थी। बट जब ये हो गया कि काफ़ी पैसा इन्होंने सेविंग कर लिया, काफ़ी पैसा उन्होंने कमा लिया, तो फिर अब हम लोगों ने प्लान बनाया क्यों ना हम जो यहाँ पे कंपनी के अंडर में एज ए साइंटिस्ट और काम कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ कंपनी हम अपने इंडिया में क्यों ना खोलें, ऐसी कुछ कंपनी हम अपनी इंडिया में क्यों ना खोलें। तो इस वजह से जो है हम लोग इंडिया सेट हुए। यहाँ पे हम लोग इंडिया जब सेट हुए तो हमारे हस्बैंड ने मशरूम का प्लांट डाला है और यहाँ पे बंद्रा रोड में हमारा मशरूम की कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने अपना मशरूम का कंपनी डाला और मैंने छोटी सी एक एकेडमी डाली, क्योंकि मैं चाहती थी मैं फैमिली के साथ बच्चा अपना हैंडल करते हुए मैं अपना जो पैशन है, जो मेरा शौक है, उसको मैं पूरा करूं। तो जो है आपके सामने है। तो जैसे कि मेकअप एक अहम चीज़ है हमारे दुनिया में, और जिस तरह से हर क्षेत्र में मेकअप की एक अहम भूमिका रहती, चाहे वो फिल्मी लाइन हो, चाहे वो मॉडल का क्षेत्र, हर दुनिया में मेकअप का एक अपना ही अलग महत्व है। जिस तरह से महिलाएं मेकअप की दुनिया में अपना बेहतर भविष्य किस प्रकार बना सकती है, जैसा कि एक सफल मेकअप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी आप रही हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए कोई संदेश दें कि आखिर वो इस फील्ड में किस तरह से। मैं सारी लेडीज़ों को और उन महिलाओं को सब बस यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप अभी तक कुछ नहीं की हैं लाइफ में तो अभी भी आपके पास समय है, ये ऐसा फील्ड है, इस फील्ड में कोई एज बाउंडेशन नहीं है, और ये बाउंडेशन नहीं है कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप कुछ नहीं सकते हो, आपके अंदर बस पैशन होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए, और किसी भी वर्क में अगर आप मेहनत करते हो और पैशन है, ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ
साथ करते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ते हो। तो इस वजह से मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा घर से बाहर निकालिए और अपना पैशन थोड़ा जो भी आपने अपने अंदर दबा के रखा है उसको आप पूरा करिए। इस लाइन में आपका बहुत फ्यूचर है। आज देखिए तो हर जगह मेकअप आर्टिस्ट की नीड पड़ती है, कई शोज होते हैं, हाँ उसमें भी बिना मेकअप आर्टिस्ट के कई शोज नहीं हो सकते। मेकअप आर्टिस्ट इस तरह से बोलिए तो एक नीब भी बोल सकते हैं। मॉडल्स रेडी होती हैं, मॉडल्स को तैयार करने का रैंप पे जब वो खूबसूरत मॉडल उतरती हैं तो उनको खूबसूरत बनाने का काम मॉडल हाँ हम मेकअप आर्टिस्ट का है। तो हर शो में मेकअप आर्टिस्ट का एक अलग ही वर्क होता है, हाँ उनका किसी कोई शो बिना मेकअप आर्टिस्ट के नहीं हो सकता है। ठीक, मॉडल जब रैंप पे उतरती है तो खूबसूरत दिखती है, उनको खूबसूरत कौन बनाता है, मेकअप आर्टिस्ट बनाती है। और उसके अलावा भी आपको सेल्फ डिपेंड सेल्फ स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है, ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस फील्ड में ब्यूटिशियन ऐसा फील्ड है और एकेडमी इस किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करिए ऐसी फील्ड होती है। तो इसमें आप जैसा कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के क्षेत्र में या मेकअप के क्षेत्र में अगर महिलाएं आना चाहें तो उन्हें प्लेटफॉर्म की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो क्या बता सकती है हमारे दर्शकों को कि कहाँ प्लेटफॉर्म बेहतर मिल पाएगा? या आपकी भी एक एकेडमी चलते हैं जहाँ आप महिलाओं को ट्रेंड करते हैं, कई महिलाओं को आपने ट्रेंड किया, उन्हें रोजगार देने का भी काम किया, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सा प्लेटफॉर्म चुने। तो देखिए प्लेटफॉर्म तो आज के डेट में लखनऊ में बहुत सारे एकेडमी हैं, अनलिमिटेड है, बस ये है कि जो नेम ब्रांडेड हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है, ठीक है, और जो नॉन ब्रांडेड है उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है। और मैंने शुरू में जितने लोगों को जब मैंने ये ओपनिंग की थी तो मैंने 7-8 लोगों को क्लासेस दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दिया है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सेटल होना चाहती थी। और कुछ लेडीज़ें आती हैं तो बोलती हैं कि मैम पैसे नहीं, तो मैं सोचती मैं उनको सिखा दूं तो वो मेरे काम आएंगे। आज मैंने ऐसे कई लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्लासेस दिए हैं और सिखाए और आज वो मेरे काम आ भी रही हैं। आज मैंने उनको जॉब दे दिया है और अपने इस एकेडमी में मेरे यहाँ काम भी कर रही हैं। तो अच्छा है अगर कोई चाहे तो उसमें अपना फ्यूचर बना। एकेडमी आपने किस नाम से रखी है? एक्चुअली एकेडमी नाम मेरे पास कई लोगों को ऑफर आया, आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, बट मेरे अंदर शुरू से ये था कि मैं किसी ब्रांड को क्यों प्रमोट करूं? अगर मुझे आगे जाना मैं अपना नाम प्रमोट करूं, अपने को आगे बढ़ाऊं, तो मैंने अपने नाम से ये एकेडमी डाला है, निभा अरोमा ब्यूटी पॉइंट। अरोमा ब्यूटी पॉइंट इसलिए डाला क्योंकि अब्रॉड में मैंने क्लासेस लिए थे और गुजरात में मैंने क्लासेस लिए थे, स्किन स्पेशलिस्ट का पूरा मैंने क्लासेस लिया है, तब ये चीज़ें थी। तो मैंने इस तरह से अपना निभा अरोमा ब्यूटी पॉइंट नाम से डाला है और मैं अपने नाम को ही आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं किसी के नाम के सहारे अपने आप को आगे नहीं करना चाहती हूँ। मैं मेरे अंदर ये सोच है आप कुछ भी करो, आप अपने दम पे करो और अपने नाम को ही लेके जाओ। आप किसी ब्रांड को जुड़ते हो तो आप मेहनत करते हो तो आप वो ब्रांड को प्रमोट करते हो, अपने आप को प्रमोट नहीं करते हो। जो कि हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए थे कि फ्रेंचाइजी लेने की, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कहा मैं अपना। तो जैसा कि निभा जी प्रतापगढ़ से हैं आप, तो कुछ खास बात बताएं प्रतापगढ़ की और कॉलेज लाइफ जब शुरुआत हुई, क्योंकि शादी के बाद शायद इस लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और फैमिली सपोर्ट जो आपको मिला ज़्यादा शादी के ही बाद। हाँ ये सच है, अगर एक तरह से बोला जाए तो मेरे ससुराल वालों का ही सपोर्ट है। शादी से पहले भाई लोग मेरे नहीं चाहते, मतलब कभी मैंने पहली बात ये फीलिंग जाहिर ही नहीं की कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है। मैं बैंक में जॉब करती थी, सबको जैसे कि सभी माँ बाप ज़्यादातर सोचते लड़कियों की शादी हो जाए, ससुराल चली जाए, अपने खुश रहें ससुराल में, वही चीज़ हमारे फैमिली वाले भी चाहते थे। लेकिन शादी के बाद मुझे इतनी अच्छी हस्बैंड मिले, इतनी अच्छी फैमिली मिली, मेरे ससुर जी भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड तो टचवुड वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज मैं जो भी हूँ लखनऊ में ये 2 साल में आप देख रहे हैं, वो सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। पहला शो वो किसके साथ किया है? पहला शो लुईस गैदर ब्रांड का एक शो था, सबसे पहला शो था, मैं नाम भूल गई उनका, बट लुईस गैदर ब्रांड था, उनका साथ मेरा शो था। मैं उसी शो में मैं अवार्ड लेने गई तो वहाँ के एंकर ने कहा मैम आप मेकअप आर्टिस्ट क्यों हो, आपको मॉडल होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्लिक की कि मैं भी एक बार अपने आप को एज ए मॉडल ट्राई करना चाहूँगी,
तो फिर मैंने ट्रायल किया और अच्छा निकला रिस्पांस और आज जो है आपके सामने है। सिटी मेकअप आर्टिस्ट का पहला शो वो था, और सेकंड जब मॉडलिंग का आपने किया वो कौन सा शो था? सेकंड मॉडलिंग का जो किया वो मिसेस कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश का था, जो दिल्ली का शो था, मोहित अरोरा करा रहे थे। तो मुझे पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मैं अगर कोई शो करूँगी तो बाहर का करूँगी, यूपी का शो नहीं करूँगी। और जब मैंने देखा कि मोहित अरोरा का शो आया और वो काफ़ी अच्छे बड़े लेवल का शो था, बहुत अच्छा शो करवाते हो, तो फिर मैंने सोचा मुझे इसी शो में पार्टिसिपेट करना है, अगर कुछ होता है अच्छा तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, एक बार चांस मानने में क्या जाता। बट मैंने किया और मैं उस शो में विनर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसे मॉडल भी कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे रिस्पांस काफ़ी आते गया, मैंने कई जगह पे शूट भी किया है, अमेजोन में, स्नैपडील में, आपका पेंटलूज में, और शॉप कोच में, ये सब ब्रांड में मैंने शूट भी दिए हैं। और अब तो शो में एज ए जूरी, एज ए जज मुझे बुलाते हैं, और कई शो में मैं शो स्टॉपर वॉक भी की हूँ। तो इसके माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, ये जिस तरह से आज महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिल पाता है फैमिली का, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाओं को सपोर्ट मिले या किस तरह से वो सपोर्ट पा सकती हैं? मैं सारी महिलाओं को, एक ही लेडीज़ों को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर जो आपकी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई, जो आप नहीं कर पाए, तो अभी भी आपके पास समय है। आप ये ऐसा फील्ड है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आइए, अदरवाइज अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ना आइए। ये ऐसा फील्ड है, इसमें आप आ सकते हो, ये छोटे माध्यम से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी क्लासेस लीजिए, एकेडमी ज्वाइन करिए, एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को ग्रूम करिए, और उसके बाद आप चाहो तो ऐसा ये फील्ड है कि आप घर में भी खोल सकते हो। आज लेडीज़ें इतना क्रेज़ है अपने आप को सुंदर बनाने में, आपको पता ही है सारी लेडीज़ें, तो इतना डिमांड है आज के डेट में ये एज ए मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन का। तो कोई भी अगर आप सोचिए, मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं हो, अपने घर पर भी छोटा सा डाल दे तो भी वो चलेगा। तो मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप घर से बाहर निकलिए, जो चीज़ें नहीं कर पाए हैं अभी भी आपके पास टाइम है, आप करिए और कोई भी एकेडमी ज्वाइन करिए। तो आइए अब जानते हैं कि अब्रॉड से 1.5 साल हुए आए हुए ने, और अभी तक सैकड़ों कार्यक्रम प्रोग्राम में सम्मानित हुई, अवार्ड से नवाजी गई, और ये जानेंगे कि अभी तक कितने सेलिब्रिटीज का मेकअप किया निभा जी ने। कई सेलिब्रिटी का मेकअप मैंने किया है, अभी रिसेंटली मैं बताती हूँ, रिसेंटली मैंने अनमोल चौधरी का मेकअप किया है, एमटीवी स्वीट पिल्ला की वो है, फेम की है, और वर्षा शर्मा का मैंने मेकअप किया है, गौरव अरोरा, गौरी अरोरा है, उनका मेकअप किया है। तो ये रिसेंटली ये सब मेकअप हुए हमारे। कई तस्वीरें दिख रही हैं, मैं शायद इनके बारे में बता। हाँ, ये स्नेहा उल्लाल है, पारुल चौहान है, और आपकी करिश्मा दत्ता है, क्या नाम है एक, और रश्मि देसाई हैं, ये सब मिसेस एक शो था वहाँ पे हम लोग आपस में मिले थे, उस शो में गई थी। तो जैसा कि आपने देखा कि कई सेलिब्रिटीज़ का, कई टीवी एक्टर का, और कई जो एमटीवी से आई थी उनके बारे में भी इन्होंने बताया, अनमोल चौधरी, उनका भी इन्होंने मेकअप किया है और मेकअप की दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम भी कमाया है। तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल बन के उभरी है कि किस तरह से महिलाएं अपना बेहतर भविष्य मेकअप की दुनिया में बना सकती हैं। नहीं, एक तरह से मान लीजिए हेल्प करना।